हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इग्नू का जो आई कार्ड है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे आसान और बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें बस आपके एनरोलमेंट नंबर अगर आपको पता है तो आप आई कार्ड जो है वो इजीली मोबाइल से या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले इस चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, इग्नू का जो आई कार्ड होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप हमेशा आपका जो आई कार्ड है उसको डाउनलोड करके एक पिन निकल के रखिए। आप लेमिनेट करा के भी रख सकते हैं। आपके आई कार्ड में आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजनल कोड, आपका प्रोग्राम नेम, आपका इमेज, आपका सिग्नेचर, ये सब कुछ रहता है। तो देखते हैं इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, मतलब अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, उसका रजिस्टर यूजर लॉगिन आपको इधर दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि पुराने स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जा सकते हो, प्रीवियस एडमिशन पोर्टल जो है इसमें आप क्लिक करोगे ना तो आपको इधर ऐसे लिंक दिख जाएगा। तो आपका जो एडमिशन सेशन है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप पुराने हो तो मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगी। तो इधर आपका क्या करना पड़ेगा, आपका जो रजिस्टर यूजर नेम है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपका जो पासवर्ड है वो डाल देना है और इधर जो कैप्चा कोड है ये आपको इधर डाल देना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे ना तो कैप्चा कोड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको इधर आपका कैप्चा कोड डाल देना है और फिर जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको ऐसा एक पेज दिखेगा जहाँ पे आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन में जैसे आप क्लिक करोगे आपको इधर दिख जाएगा आईडी कार्ड। आपको ऐसा ग्रीन एक बटन दिखेगा जहाँ पे डाउनलोड लिखा रहेगा, इस पे जैसे आप क्लिक कर दोगे आपका जो आई कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। इससे भी एक बहुत ही बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ। मान लो कि आपने पासवर्ड भूल गए, ठीक है, आप यूजर नेम भी भूल गए, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ जिससे सभी स्टूडेंट, पुराने हो नए हो कोई भी प्रोग्राम के हो, सारे स्टूडेंट जो है वो अपना आई कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ignu.summon.edu.in इसमें आ जाना पड़ेगा। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें आने के बाद पहली बात तो ये है, अगर आपने अभी तक स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रोग्राम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा इधर से, ठीक है। उसके बाद आपका जो आईडी कार्ड में जो नाम है वो आपको डाल देना पड़ेगा, जो भी नाम है आपका, और इधर से आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको दे देना पड़ेगा, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपने डाल दिया। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो डाल देना है आपको। उसके बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस होगा या आपका जो रजिस्टर फोन नंबर होगा ना उसमें एक ओटीपी जाएगा, आपके फोन नंबर पे भी जाएगा और आपके जो ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उसमें भी एक कोड जाएगा। आपको वो कोड डालना है और डालने के बाद आपका स्टूडेंट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट पोर्टल में आप आए, आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे आपके सामने पासवर्ड रीसेट विंडो ओपन हो जाएगा। आपको आपके प्रोग्राम चूज करना है, फिर इधर आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, सेम जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम एक ओटीपी गया था आपके मोबाइल पे या आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, सेम उसी तरीके से आपके पास एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी से आप पासवर्ड जो है वो रिसेट कर सकते हो। इसमें बस आपको एनरोलमेंट नंबर की ही जरूरत है और कुछ नहीं। स्टूडेंट पोर्टल विंडो में आने के बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो डाल देना है और जो पासवर्ड है वो डाल देना है और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है ये आपको इधर लिख देना है। फिर जब भी आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा और ऐसे डैशबोर्ड पे आ जाओगे। इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सर्विस वाला टैब है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप देख सकते हो एक एक करके बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इधर से मिल जाएगा। तो आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्विसेज वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। आप इधर थोड़ा नीचे आओगे, आप देख सकते हो इधर आई कार्ड बोल के लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर क्लिक हेयर बटन दिया गया है, इस पे आपको बस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला विंडो जो है ओपन हो जाएगा। इधर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू डाउनलोड आईडी कार्ड, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक पासवर्ड पूछेगा, तो आप देख सकते हो इधर यूज योर एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड, मतलब आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वही आपका पासवर्ड है, ठीक है। तो इधर आपको आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो डाल देना है, फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो आई कार्ड है वो ओपन हो जाए। फिर इधर आपको राइट साइड में ये जो है डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो आई कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है। आप नए स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, आप ऐसे आपका जो आई कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। सेम प्रोसेस से आप अपने मोबाइल से भी आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। सेम आपको इस वेबसाइट में आ जाना है, फिर इधर आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर सर्विसेज वाले टैब पे क्लिक करके आपको सेम प्रोसेस में आपका जो
आई कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट जो हो वो LMS पोर्टल से भी आपका आई कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। एक बात याद रखना, आई कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको असाइनमेंट के टाइम, आपके एग्जाम के टाइम आई कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, तो आपके पास इग्नू के आई कार्ड जो है उसका एक प्रिंट कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। याद रखना, बहुत टाइम होता है सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलता। आई कार्ड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपके स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप एक दो महीना थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि एडमिशन के बाद ही आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें आप डेटा है वो अपलोड नहीं होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। एक दो महीना वेट करना, फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है लॉगिन या आपको कोई पासवर्ड नहीं मिल रहा है, आपका पासवर्ड जो है वो भी रिसेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो रीजनल सेंटर है उसमें आपको मेल डालना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैसेज के थ्रू मेरे से बात करने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम IDIGNUGUYJS को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।